दोस्तों, रबर बैंड का यूज आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा। रबर बैंड हमारे रोजाना जिंदगी में होने वाली कई छोटी छोटी कठिनाइयों को दूर कर देता है, जैसे कि पैसे के बंडल को रबर बैंड से बांधना और टीवी के पुराने रिमोट में रबर बैंड को लगाकर रिमोट को चलाना। और भी कई छोटी छोटी कठिनाइयों का समाधान करता है यह छोटा सा रबर बैंड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर इस रबर बैंड को बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जाता है और रबर बैंड आखिर किस चीज से बनती है। तो सबसे पहले रबर बैंड बनाने के लिए पेड़ों से मिलने वाले नेचुरल रबर को फैक्ट्रियों में लाया जाता है। फिर जिस कलर का रबर बैंड बनना होता है उस कलर के कंटेनर में इस रबर को डालकर अच्छे से हाई टेम्परेचर पर मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसे एक सर्कुलर रोलर में डालकर इसका एक सीट तैयार कर लिया जाता है। फिर इस सीट में एक मशीन सल्फर यानी गंधक और अन्य केमिकल्स को डालती है, जिस कारण रबर बैंड जल्दी खराब नहीं होते हैं। फिर रोलर से आ रहे पतले सीट को मोड़कर मीडियम भाग में यहाँ के वर्कर्स काट देते हैं। फिर आगे इन रबर्स को एक खास प्रकार के मशीन में डाला जाता है, जो कि इन ठोस रबर को एक लंबी सी खोखली पाइप के रूप में तैयार कर देती है। और साथ ही साथ यह मशीन उन रबर्स के पाइप के अंदर एयर को भी गुजारती है, ताकि रबर आपस में चिपके नहीं। और आगे इन रबर्स को ठंडे पानी से भी गुजारा जाता है, ताकि ये रबर के पाइप अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद एल्युमिनियम के ठोस पाइप को उन खोखले रबर के पाइपों में डाला जाता है और इन पर पाउडर को छिड़का जाता है, ताकि रबर एल्युमिनियम के पाइप में चिपके नहीं। अब इन सभी पाइपों को एक बड़े से ओवन में डाला जाता है, जिस कारण ये रबर से पूरी तरह से इलास्टिक रबर बन जाते हैं। फिर इनको मेटल यानी एल्युमिनियम के पाइप से निकाला जाता है और फिर ठंडा होने के लिए इन्हें पानी में रख दिया जाता है। अब सबसे लास्ट प्रोसेस में इसे पानी से निकालकर इसे कटर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इन पाइपों को एक सेफ साइज में काटकर रबर बैंड का रूप दे देती है। ये काम मशीनों द्वारा बड़ी ही तेजी से होता है। ये मशीन एक घंटे में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा रबर बैंड को तैयार कर देती है। अब इन सभी रबर बैंड को पैक करके अलग अलग शहरों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि फैक्ट्रियों में रबर बैंड की प्रोडक्शन कैसे होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो मिले आपको सबसे पहले। अब एंड स्क्रीन में आपके सामने दो वीडियो और दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, आप इस पर सिंपली टच करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।